विगत 2 से 3 वर्षों से भिलाई निगम के बस यार्ड में ये सिटी बसें यूं ही खड़ी हैं और आज ये कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, परंतु निगम भिलाई ये दावा कर रहा है कि इन सिटी बसों का संचालन जल्द किया जाएगा। नगर पालिक निगम भिलाई के बगल में स्थित है सिटी बस का यार्ड, जहां विगत 2 से 3 वर्षों से यह सिटी बसें कबाड़ में तब्दील हो रही हैं और निगम प्रशासन सिटी बसों को कबाड़ में तब्दील होता आंखें मीचे देख रहा है और दूसरी तरफ यह भी कहता है इसका परिचालन जल्द शुरू होगा, परंतु निगम द्वारा इन बसों को चलाने के लिए इसकी खरीदी लगभग 10 करोड़ रुपये में की गई थी और यह बसें कोरोना काल के समय से जो बंद पड़ी हैं सो अब तक इन्हें पुनः चालू नहीं किया जा सका और यार्ड में खड़े खड़े ज़्यादातर गाड़ियों के टायर, अंदरूनी सामान जैसे इंजन, गियरबॉक्स आदि सब चोरी हो गए हैं। निगम पुनः इनके परिचालन की बात कर रहा है, परंतु सवाल यह है कि इसे दोबारा चलाने में इन बसों का संधारण करना होगा और यथास्थिति यह बताती है कि इसके संधारण में भी भारी भरकम रकम खर्च होने वाला है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने कहा है कि सिटी बसों के परिचालन के लिए जिस नई एजेंसी को कार्य सौंपा गया था उन्हें अभी बसों के परमिट नहीं मिले हैं और जैसे ही यह परमिट मिल जाएंगे इनका परिचालन पुनः शुरू कर दिया जाएगा। इसमें 2 वर्षों से कोविड के टाइम पे सिटी बसों का संचालन बंद हो गया था, उसमें बसों की जो 2 साल बंद रही तो स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई थी और उसमें कुछ बसों के पार्ट्स चोरी भी हो गए थे। नगर निगम भिलाई ने इसके लिए एक फिर एक टेंडर किया था, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर था उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उनको बसों का संधारण करना है और फिर बसों का संचालन भी करना है और उसके लिए नगर निगम को वो मासिक रूप से किराया देंगे प्रत्येक बस के हिसाब से। तो इसमें 15 से 20 बसें करीब का संधारण करके उन्होंने रेडी कर लिया है, पर इसमें इशू ये आ रहा है कि 6 से 6 बसें अभी परिचालन में है जिनका संचालन चालू हो चुका है, 15 बसों का अभी जो परमिट है वो पेंडिंग है, जिसकी प्रक्रिया जितना मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे ही उनका परमिट जारी होता है तो 15 और बसें हमारे यहाँ सड़क पे चालू हो जाएंगी और लगातार बसों का इसमें जो है संधारण का कार्य चालू है, क्योंकि कुछ पार्ट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनको बाहर से मंगाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है पर संधारण कार्य प्रगति पर है और जैसे जैसे 15 बसों के हमारे और परमिट जारी होंगे तो आगे और बसें भी हमारी चालू हो जाएंगी। वहीं इन सिटी बसों को लेकर और इनके परिचालन को लेकर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने निगम प्रशासन पर सवालिया निशान लगाया है और निगम के राजस्व के सहित निगम क्षेत्र की जनता के पैसों की बर्बादी बताया है। सिटी बस को देख करके लगता है कि सिटी बस भिलाई के अंदर में एक मजाक सा हो गया है। इस शहर के अंदर में पूर्व की सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा सपना इस शहरवासियों के लिए सिद्ध किया गया था, जिसमें करोड़ों की लागत से राज्य सरकार के मद से और नगर निगम के संचित निधि से लगभग 25 करोड़ रुपए की राशि से सिटी बस की रचना रची गई थी, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के रूट के हिसाब से सिटी बस का संचालन करने की एक प्रक्रिया सामान्य सभा से प्रस्तावित की गई थी। आज आप लोग देख रहे होंगे सिटी बस के अड्डे में इस शहर के अंदर में कहीं सिटी बस नाम की चीज़ नहीं चल रही है। लगभग 120 सिटी बस, जिसके किसी भी बसों में टायर की स्थिति ठीक नहीं है, कोई भी सिटी बस ठीक से यहाँ खड़ी नहीं है, करोड़ों रुपया का शासन का पैसा, करोड़ों रुपया छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा इस तरह से भिलाई नगर निगम में बर्बाद किया जा रहा है, जिसका मूर्त रूप आप भिलाई नगर निगम के जस्ट बाजू में सिटी बस के यार्ड में आप देख सकते हैं। आपको बता दूँ कि भिलाई में बहुत सारे बेरोजगार हैं, पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया किसी एजेंसी को दे रहे फ्री में दे रहे उससे अच्छा है कि शहर के बेरोजगारों को एक एक बस दे दीजिए और उनसे जिस स्थिति में है उस स्थिति में उनसे लेने का एक एग्रीमेंट जारी करिए और एक सिटी बस का जो भी एक किराया होता है एक होना चाहिए 10,000, 15,000, 5,000 जो भी तय कर करके शहर के बेरोजगारों को आप दे दीजिए संचालित करने के लिए। सामान्य सभा आपको उसके लिए स्वीकृति देने के लिए तैयार है, लेकिन ना शहर के बेरोजगारों को दिया गया, पता नहीं कौन सी ऐसी संस्था थी, किसी भी सिटी बस 8 साल पुरानी सिटी बस आज जाके देख लीजिए शहर के अंदर में इनकी 2000 की मॉडल की बसें चल रही हैं, लेकिन आज शहर की सरकार के करोड़ों रुपए का बंडरबांट और करोड़ों रुपए का बर्बाद करने का काम इस नगर सरकार ने किया है और यहाँ के अधिकारियों ने किया है, कभी भी इनको इस शहर के हित के लिए इन्होंने नहीं सोचा। आप स्वयं उस चीज़ को निगरानी करिए कि कहाँ वो 10 बस चल रही है। अभी तो पता चला है कि कुछ बसें स्कूल को भी भेजी गई है, स्कूल में चलेगी संचालित होने के लिए। इस शहर को क्या समझ के रखे इन लोगों ने, इस शहर में इतनी महत्वाकांक्षी योजना देखिए किस हालत में यहाँ की बसें 120 बसें पड़ी हुई है, कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन से विकास की ओर जा रहे हैं,
कौन सा तारामंडल था ये इस राज्य को, इस शहर को दे रहे हैं ये? कुछ नहीं, निरंकुश हो चुके हैं यहाँ के अधिकारी, निरंकुश हो चुके हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिसमें मैं स्वयं हूँ। मैं 15 साल से इस शहर का पार्षद ही कर रहा हूँ, मैं स्वयं बोल रहा हूँ कि शहर के पैसों का ऐसे बंदरबाट निश्चित कहीं ना कहीं शहर को बर्बादी को ले जाना चाह रही हैं ये लोग। और शहर के अधिकारी आज जो लापरवाही पूर्वक इस पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं, जो कि शहर की जनता, मेरे ख्याल से, मैं अधिकारी का अधिकार तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास अगर अधिकारी का अधिकार होता तो इन पर निश्चित कार्रवाई करवा दिया जाता, शहर की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। गैर मकसद तक गायब कर दिए, किसी भी जगह में वातानुकूलित एसी बस की बात की गई थी, कहीं पे भी कोई एसी नाम की चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है। मेरा शहर सरकार और शहर के अधिकारियों से निवेदन है कि शहर को इतना बदनाम ना करे कि शहर पूरे राज्य में एक मॉडल शहर बन जाए, और पूरे शहर ये देखे कि शहर को देखो कि सिटी बस की क्या स्थिति इस भिलाई की। मेरा विनम्र निवेदन है आपके चैनल के मार्फत से इस भिलाई की जनता की ओर से आग्रह करता हूँ, माननीय आयुक्त महोदय जी, एक बार यहाँ आकर के आप देखिए इस शहर का पैसा, गरीबों का पैसा, टैक्स देने वालों का पैसा किस स्थिति में यहाँ पे है। अगर थोड़ा भी अंदर में आपके अंदर में आईएएस का अगर पावर है तो आप तत्काल इनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। मेरा आपसे पूरे भिलाई की ओर से निवेदन करता हूँ। भिलाई शहर की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि उन्हें दोबारा कब इन सिटी बसों में किफ़ायती दरों में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।